Assalamualaikum everyone. तो हम लोगों ने CVS medicine में start की थी coronary artery disease, जिसमें जो अगला topic हमने करने that is about acute coronary syndrome. वही बात है, पहले हम लोग angina को पढ़ते होते थे और हम कहते थे कि angina की तीन types होती है. मैंने आपको पहले बताया था stable, prince battle and unstable angina. लेकिन जो हम बहुत ज्यादा detail में पढ़ो तो मैं बताऊँ होता है कि जो unstable angina है और myocardial infarction, ये दोनों acute coronary syndrome के अंदर deal होते हैं, क्योंकि इनकी management में बहुत ज्यादा similarities है. ठीक है. अच्छा, अनस्टेबल एंजाइना का मतलब होता है कि आपका कोई भी न्यू ऑनसेट एंजाइना जो कि रेस्ट पे भी शुरू हो गया और नॉट रिलीव बाय टेकिंग सिंपल रेस्ट या ओरल या फिर सब लिंगुअल नाइट्रेट, सो आपका अनस्टेबल एंजाइना होता है. यानी आपकी वो चेस्ट पेन होती है एंजाइना ही है, चेस्ट पेन है, प्रिडिक्टेबल इसमें इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि यह आपका नॉर्मली वो एंजाइना है जो कि रेस्ट पे भी शुरू हो जाता है और मुसलसल रहता है और ज्यादा देर के लिए रहता है, और मजीद रेस्ट करने से या फिजिकल एक्टिविटी को रोक देने से या फिर आपकी सब लिंगुअल नाइट्रेट से भी इवन ठीक नहीं होता. ठीक है. और वैसे ये कहा जाता है नॉर्मली कि कोई भी न्यू ऑनसेट एंजाइना जो होता है, जो अचानक से शुरू हो जाए और जो ठीक ना हो जाए जल्दी, दैट इज कंसिडर्ड एज अनस्टेबल. ठीक है. क्योंकि आपका स्टेबल एंजाइना हमेशा रेस्ट पे रिलीव हो जाता है और एक प्रिडिक्टेबल लेवल ऑफ एक्टिविटी के बाद होता है, तो अनस्टेबल एंजाइना. अनस्टेबल एंजाइना का जो दूसरा नाम देते हैं वो प्री इन्फ्रक्शन एंजाइना भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली इसी का जो जो पैथोजेनेसिस यहां पर चल रही होती है वही पैथोजेनेसिस को अगर ठीक ना की जाए तो इट लीड्स टू इन्फ्रक्शन, इट लीड्स टू डेथ ऑफ द मायोसाइट्स, और जब मायोसाइट की डेथ होती है तो उसको हम मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन कहते हैं. मैंने आपको बताया था शुरू में कि एंजाइना और एमआई में डिफरेंस भी नहीं है कि जब तक एंजाइना है जो मर्जी हो जाए डेथ नहीं होगी मायोकार्डियम की. ठीक है. अभी अनस्टेबल एंजाइना में ये होता है कि पहले स्टेबल एंजाइना में तो ये हो रहा था ना कि ब्लड सप्लाई लिमिटेड थी हमारे मायोकार्डियम को, लेकिन सिर्फ एक्जर्शन पे. ठीक है. अनस्टेबल में ये होता है कि अब बैठे बैठे भी उसको ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो रही, लेकिन अभी भी जितनी मिल रही है उसके पे वो जिंदा जरूर है. ठीक है. वो इस्कीमिक पेन शो कर रहा है, वो बता रहा है कि मुझे ब्लड नहीं मिल रहा, मुझे ब्लड चाहिए, कुछ किया जाए, लेकिन अभी भी उसको थोड़ा बहुत ब्लड हर एरिया को मिल रहा है, कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी अभी भी पेन हो रही है लेकिन डेथ नहीं हुई. और कभी कभार अगर वेसल पूरी ऑक्लूड हो जाएगी और शुरू में पेशेंट के अभी भी मायोसाइट की डेथ नहीं हुई, मतलब एकदम तो नहीं हो जाती ना, थोड़ा सा टाइम तो वो सर्वाइव करते हैं, उस टाइम में पेशेंट को पेन जो बहुत सिवियर होती है वो अनस्टेबल एंजाइना की होती है, और जब डेथ हो जाती है तो फिर हम उसको कहते हैं दिस इज मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन. मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन में फिर आपकी ईसीजी चेंजेस की बेस पे हमने दो में डिवाइड किया होता है, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई एक होता है जिसको एन स्टेमी कहते हैं, और एक एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई होता है जिसको स्टेमी कहते हैं. ठीक है. तो स्टेमी आपकी ज्यादा सीरियस बात होती है, और एन स्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना होते हैं वो आपके फिर भी थोड़े से कह सकते हैं कम सीरियस होते हैं, लेकिन हर चीज ये आपकी वही बात है कि कहते होते हैं मायोकार्डियम इज बेसिकली योर रेस अगेंस्ट टाइम. मतलब खास तौर पे आपका जो मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन या ये वाले जो अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट होते हैं, अनस्टेबल एंजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड, मैंने आपको बताया, प्री इन्फ्रक्शन एंजाइना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी यही अनस्टेबल एंजाइना का पेशेंट आपके पास आता है जो उस वक्त अनस्टेबल में होता है, और अगर आप उसे ट्रीट नहीं करते टाइमली, फौरन आप थेरेपी नहीं देते, तो इट लीड्स टू कंप्लीट इन्फ्रक्शन ऑफ द मायोकार्डियम. ठीक है. तो इस वजह से मायोकार्डियम में रेस अगेंस्ट टाइम है, एवरी सेकेंड इवन आपका एक पोर्शन ऑफ मायोकार्डियम को सेव कर रहा होता है, तो आपका एक एक सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर दिस वन मायोकार्डियम के मामले में. ठीक है. अच्छा, हमारे पास अब डिफरेंस क्या है इसकी पैथोजेनेसिस और स्टेबल एंजाइना में. स्टेबल एंजाइना में सिर्फ और सिर्फ हमने कहा था कोई भी ऐसी पैथोलॉजिस्ट ने वेसल्स को नैरो किया हुआ एथरोसिक्लेरोसिस वगैरह है, या हमने सबसे मोस्ट कॉमन कॉज को लेके चलते हैं तो एथरोसिक्लेरोसिस थी जिसमें प्लाक बन गया था. अब आपको याद होगा हमने ये बात पैथोलॉजी में अपनी पढ़ी थी कि जब प्लाक बन जाता है, और मैंने आपको वीडियो में भी बताई है अभी अपनी पिछली वाली में शायद मेरा ख्याल है, मतलब बताया किसी में मैंने कि जब प्लाक में मुसलसल प्रेशर पड़ता रहे या प्लाक रप्चर हो जाए या उसमें अल्सर बन जाए, या फिर जो आपके हाथों में वल्नरेबल प्लाक्स होते हैं या एक्टिव प्लाक्स होते हैं जिनमें मुसलसल इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो प्लाक्स रप्चर होने के बहुत प्रोन होते हैं, और जैसे ही प्लाक रप्चर होगा कोई भी मसले की वजह से उसके कॉन्टेंट्स ब्लड में एक्सपोज होंगे, तो जाहिर है उसके कॉन्टेंट्स में लिपिड रिच मटीरियल था, नेक्रोटिक सेल्स थे, आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स थे, मार्कर साइटोकाइंस वगैरह थे, वो सारे जब ब्लड में आते हैं तो ब्लड एकदम से अपने मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं, जो किसी भी जब हमारी बॉडी में कोई भी जख्म होता है, कहीं से खून निकलता है या कहीं पर इन्फ्लेमेशन की जरूरत है, तो बॉडी में एक क्लॉट बनाने का मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, वो क्लॉट का मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, यहाँ पर आपका प्लेटलेट सारे एग्रीगेट होने लग जाते हैं, और प्लेटलेट एग्रीगेट होने से जरा कितना बड़ा थ्रोम्बस बन जाता है. अब पहले जो प्लाक बेचारा यहां तक था उसके ऊपर इतना बड़ा थ्रोम्बस बन जाएगा, तो जाहिर है पहले रास्ता
पहले प्लाक मैंने भी बनाया तो इतना सा था, तो पहले रास्ता इतना ज्यादा जा रहा था जिसपे पेशेंट को स्टेबल एंजाइना था खाली, अब इतना रास्ता ब्लॉक हो गया, वजह से इतना सा रास्ता रह गया खाली जरा सा, तो इसमें से तो जाहिर है पेशेंट को बहुत सवेर एंजाइना रेस्ट पे भी शुरू हो जाएगा। तो दिस इज योर पैथोजेनेसिस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना कि इट ऑलवेज 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 अकर्स आफ्टर थ्रोम्बोसिस ओवर अ प्लाक, रप्चर्ड प्लाक होता है, अल्सरेटेड प्लाक होता है, इरोसिव प्लाक होता है जो फट गया होता है, जिसके ऊपर प्लेटलेट से एग्रीगेट करके एक थ्रोम्बस बना देते हैं और थ्रोम्बस मजीद रास्ता तंग कर देता है और आपका अनस्टेबल एंजाइना हो जाता है। ठीक है, तो अगर उस थ्रोम्बस की वजह से रास्ता बहुत ज्यादा तंग हो गया लेकिन अभी भी थोड़ा सा है जैसे यहाँ पर है, तो उससे पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना होगा क्योंकि पेशेंट को अभी ब्लड सप्लाई जा रही है, बेशक बहुत थोड़ी है लेकिन उसको जा जरूर रही है, तो दैट इज अनस्टेबल एंजाइना। और अगर आपका थ्रोम्बस यूं हो कि पूरी आपकी वेसल को उसने ब्लॉक कर दिया, ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं जा रही, तो थोड़ी देर के लिए पेशेंट को बहुत सिवियर पेन होगी और कुछ ही मिनट्स की बात होती है, मिनट्स नहीं सेकंड्स की, कि आपकी डेथ ऑफ मायोसाइट्स हो जाएगी एंड इट विल लीड टू योर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, द थ्रोम्बस ओवर योर ब्लॉक इज बेसिक थिंग। अच्छा, अनस्टेबल एंजाइना का पेशेंट अगर आपके पास एक आया हो, वो आपको लग रहा है कि इसमें रिस्क बढ़ता जा रहा है कि अनस्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, मतलब आपकी अगर पेशेंट की ईसीजी में मुसलसल ज्यादा चेंज आती जा रही है, मतलब उसकी टी वेव आपको लग रहा है कि खराब हो रही है, एसटी सेगमेंट चेंजेस ज्यादा आ रही है, या फिर पेशेंट को पेन ज्यादा होने लगी, अब बार बार इस्कीमिया के एपिसोड और पेन के एपिसोड हो रहे हैं, या पेशेंट की फिजिकल डिटेरियोरेशन या फिजिकल हालत से आपको लग रहा है, या पेशेंट को एरिथमिया हो रही है, सिनकपी हो रही है, मतलब ये सारी वो बातें होती है जो उसके बता रही थी कि पुअर प्रोग्नोसिस चल रहे हैं एंड वी शुड डू समथिंग फॉर हिम। अच्छा, तो यहाँ पर बात मतलब पैथोजेनेसिस तक इम्पोर्टेंट थी, आगे आ रहे क्लिनिकल फीचर्स पे। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में आपने याद रखना आपके पास जो सिनेरियो आता होता है ना, सिनेरियो बहुत ज्यादा आता है, अनस्टेबल एंजाइना का भी आता है और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का भी आता है। उसमें आपको सबसे पहले जो पेशेंट के सिम्टम्स बताएंगे वो ये होगा कि पेशेंट प्रेजेंटेड टू विद इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, पहले तो इमरजेंसी में पेशेंट आए विद सिवियर एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन, और कभी कभार आपके पास कई सिनेरियोज में एपिगैस्ट्रिक पेन भी लिखा हुआ है, एपिगैस्ट्रिक पेन एंड वॉमिटिंग। अब जब बच्चे पढ़ते हैं ना एपिगैस्ट्रिक पेन, तो पहले ही उनके जहन में आता है कि दिस इज एपिगैस्ट्रिक पेन एंड वॉमिटिंग, तो ये पेशेंट एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, क्योंकि हमारा जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है उसमें भी यही फीचर्स है। भाई पूरा सिनेरियो पहले आराम से पढ़े और फिर सोचेंगे क्या हुआ पेशेंट को। ये बात याद रखना कि जो एमआई अनस्टेबल एंजाइना की पेन है ना, ये ज्यादा सिवियर होती है एंड यूजुअली ये सिर्फ आपके चेस्ट में नहीं होती, प्रिकॉर्डियम में नहीं होती, आपके एपिगेस्ट्रियम में भी रेफर होती है, लेफ्ट आर्म में भी रेफर होती है, जॉ में भी रेफर हो जाती है, टीथ में, उसके अलावा पेशेंट को हेडेक भी होता है, मतलब ये सारे उसकी रेफरेंस एरियाज है जहां पर, इवन राइट आर्म में भी हो सकती है, बैक में भी जा सकती है। ठीक है, तो आपकी ये सारे फीचर्स हैं और आपके पास बहुत दफा सिनेरियो आएगा और तो किसी चीज का वो नहीं देते लेकिन एपिगेस्ट्रिक पेन एंड वॉमिटिंग का जरूर देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू इमरजेंसी में आएगा, या तो सेंट्रल सिवियर सेंट्रल चेस्ट पेन या सिवियर एपिगेस्ट्रिक पेन एंड वॉमिटिंग फॉर लास्ट कुछ आवर्स या कुछ मिनट्स, मतलब एक आध घंटे से ही हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं होता नॉर्मली ये पेन, बल्कि आपका 30 मिनट्स में खुद ही रिजॉल्व कर देता है या फिर घंटे दो घंटे में कर जाता है। अनस्टेबल एंजाइना का पेन जो है वो तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में रिजॉल्व कर जाता है, लेकिन जो आपको होता है एमआई का पेन वो रह भी सकता है, एक दिन पूरा भी रह सकता है, इतना ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्टिल इतना ज्यादा होना कम चांस होते हैं, ज्यादातर घंटे दो घंटे वाली कहानी होती है, कि उसके बाद जब डेथ हो जाती है तो फिर कौन सा पेन होना, जब मायोकार्डियम ही इंजर हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो फिर पेन किस बात का। तो बहरहाल एपिगैस्ट्रिक पेन एंड वॉमिटिंग के साथ आपके पास पेशेंट प्रेजेंट किया और उसका हमेशा ही वो ये बताएंगे, तकरीबन हमेशा होता है कि पल्स भी इंक्रीज होती है, यानी 110 बीट्स पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट, 120, एंड उसका बीपी भी इंक्रीज होता है। ठीक है, नॉर्मल से हमेशा ही ज्यादा होगा, 150/100, 160 इतना सारा होगा। उसके साथ फिर वो आपको बताते हैं आखिर में कि उसकी ईसीजी में ये चेंजेस थी। ठीक है, अगर वो आपको नहीं बताते कि ईसीजी में क्या चेंजेस थी, तो वो आपको अनस्टेबल एंजाइना सपोज उन्हें डायग्नोज कराना है, तो फिर वो आपको बताएंगे कि पेशेंट को न्यू ऑनसेट एंजाइना, न्यू ऑनसेट पेन हुई है अचानक से, लेकिन अनस्टेबल में आपको ना वो हो सकता है ईसीजी की चेंजेस ना बताएं, वो आपको क्योंकि एक्सरसाइज टेस्ट पे पेशेंट को बहुत ज्यादा चेंजेस आई थी, या फिर वो आपको उसमें कंफ्यूज फिर एपिगैस्ट्रिक पेन से नहीं करते, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज उसी में एपिगैस्ट्रिक पेन से करते हैं जिसमें वो आपको ईसीजी की चेंजेस बताते हैं बाद में कि उसमें लीड्स कौन कौन सी में कौन कौन सी चेंजेस आई है, ताकि आपको कन्फर्म हो कि कौन सी चीज है। ठीक है, ज्यादातर आपके पास जो सिनेरियो आता है ना, वो आपको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का ही आता होता है, और उसमें आपने बताना होता है कौन सी जगह का मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, आपसे पूछते हैं, अब आपको ये बात याद होगी कि मैंने आपको बहुत अच्छे से ईसीजी में जब पढ़ाई थी तो आई टोल्ड यू कि कौन कौन सी लीड्स किस किस एरिया को प्रेजेंट करती है, अभी मैं दोबारा से आपको जरा सा बात बताती हूँ। दोबारा पेशेंट के सिम्टम्स ये होता है, ठीक है, सिवियर आपके पास जो सिनेरियो में आएगा, चेस्ट पेन सिवियर है या एपिगैस्ट्रिक पेन है विद वॉमिटिंग है, ये बहुत कॉमन है, ब्रेथलेसनेस है और ज्यादा लंबी ड्यूरेशन से नहीं है।
अच्छा वैसे अगर बात किया जाए तो पेशेंट्स हो सकता है साइलेंट एमआई के भी पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटिक्स होते हैं ना उनमें इतनी ज्यादा न्यूरोपैथी हो चुकी होती है कि उनमें एमआई का दर्द का भी उन्हें पता नहीं चलता, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आपका इधर एकदम से इस्कीमिया शुरू हुआ, अभी पेशेंट को पेन शुरू ही हुआ था कि आपका मायोकार्डियम डेथ में जाने से पहले ही वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन शुरू होगी, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आपको पता है कि अगर मिनट्स में ठीक ना की जाए तो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट की कई बार होता है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से डेथ हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जब ये स्टार्ट होता है आपका इस्कीमिया, तो ऐसे नोड इम्पल्सेस बनाना ही छोड़ देता है और कोई आपका एक्टोपिक एरिया भी नहीं शुरू होता बंदा, तो एसिस्टली में पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत सारी ऐसी रीजन है कि जो पेशेंट कोप नहीं कर पाते वो सडन कार्डिक डेथ में चले जाते हैं, तो देर आर पॉसिबल चांसेस। लेकिन हमारे पास बार यही पेशेंट आता होता है, सिवियर चेस्ट पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन, वॉमिटिंग, ब्रेथलेसनेस, या बीपी और पल्स हमेशा इंक्रीज होंगे। सिर्फ इन्फीरियर वॉल एमआई जो होता है ना उसमें आपका पल्स थोड़ा सा डिक्रीज होता है, ब्रेडिकार्डिया की तरफ पेशेंट जा रहा होता है, उसमें पल्स रेट इंक्रीज नहीं हो रहा होता, यानी उसमें पेशेंट का हार्ट रेट नहीं इंक्रीज हो रहा, तो उसकी रीजन ये होती है कि पेशेंट का इन्फीरियर वॉल एमआई मोस्टली राइट साइड से रिलेट किया जाता है, ठीक है। उसमें राइट हार्ट को आपने जरूर देखना होता है, लेफ्ट पे भी हो सकता है लेकिन राइट की तरफ ज्यादा जा रहा होता है जिसकी वजह से पल्स इंक्रीज नहीं करती, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये एक एक्सेप्शन याद रखनी है, वरना आपका सारा पल्स इंक्रीज ही हो रहा होता है। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या क्या साइंस देखने हैं, अब वही बात है, पेशेंट स्वेटिंग, बहुत ज्यादा स्वेटिंग, पेलर हो रही है, उसको ब्रेथलेसनेस है, उसका हार्ट रेट आपने चेक करना होता है, हाइपोटेंशन है या हाइपरटेंशन, ज्यादातर पेशेंट्स हाइपरटेंशन के साथ ही आपके मतलब उनका बीपी थोड़ा बहुत इंक्रीज ही होता है, क्योंकि हाइपोटेंशन और सिंकपी जो होती है ना, यानी चक्कर आके बेहोश हो जाना और बीपी बहुत लो हो जाना, ये आपका थोड़ा लेट स्टेज में होता है, उससे पहले पेशेंट पेन की वजह से आपके पास पहुंच चुका होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करनी है, यहां से आपके पास क्वेश्चन में अगला सवाल आ जाता है कि वो डायग्नोसिस करें, इन्वेस्टिगेशन करें, ट्रीटमेंट बताएं। सबसे पहले आपने ईसीजी करनी है। अब आपने डायग्नोसिस बनाना होता है डिपेंडिंग अपॉन जो आपके पास सिनेरियो में उन्होंने दिया होता है। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि क्या क्या लीड्स क्या क्या प्रेजेंट करती है, आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली अभी भी चेयर मैंने इस जगह लिखा था कि लीड्स V1 से V6 में मैंने आपको बताया था कि V1 V2 मेनली आपका सेप्टम प्रेजेंट करती है, V3 V4 आपका मेनली एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट, एंड V5 V6 लैटरल वॉल ऑफ हार्ट। किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि किसी जगह पर बुक में लिखा हुआ है कि V1 V2 राइट के लिए है, V3 V4 सेप्टम के लिए, तो मैंने आपसे कहा था कि ये लोग अपनी आसानी के लिए ऐसा कर लेते होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी हमने राइट साइड ऑफ हार्ट को देखना होता है ना तो हम राइट साइडेड लीड्स लगाते हैं, मैंने आंसर भी किया था, राइट साइडेड लीड्स आप सारी की सारी लीड्स को राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ये जो लीड्स है ना आपको ये कुछ दिखाएंगे, V1 V2 सेप्टम, V3 V4 एंटीरियर, V5 V6 लैटरल। अब आपके पास अच्छा उसके बाद ये भी याद करा दूं कि 1, 2 और 3 में से मैंने आपको बताया था कि आपकी लीड 1 शो करती है लैटरल और 2 और 3 जो है वो इन्फीरियर शो करती है, मैं सारी रिविजन करा दी, ठीक है। रीजन क्या थी वो भी बताई थी, अब मैं दोबारा रीजन ही बता रही। अब आपके पास अगर वो आपको सिनेरियो में कह देते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट आया है उसके लीड 2, 3 and AVF में चेंजेस है, अब आपको कार्डिक एक्सेस याद करें, उसमें कार्डिक एक्सेस अगर यू करके एक गोल था उसमें लीड 2 यहां पर थी, लीड 3 यहां पर थी और AVF यहां पर था। अब लीड 2, 3 और AVF तीनों का जो निशान है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इन्फीरियर वॉल ऑफ हार्ट में टिपिकल लीड्स है जिनमें हम देखते हैं 2, 3 and AVF, ठीक हो गया। तो इन्फीरियर इन्फ्रैक्शन होगा तो आपने 2, 3 और AVF देखनी है। उसके बाद अब हमारे पास आते हैं, वो अक्सर आपसे कहते हैं कि पेशेंट की चेंजेस आई हैं लीड 1 में, AVL में और उसके साथ V5 एंड V6 में या V4 से V6 में। अब आप याद करें जरा, यही यहां पर बनाती हुई कार्डिक एक्सेस, लीड 1 इधर थी, अच्छा लीड AVL इधर थी और V5 और V6 हमारी यहां पर लैटरल वॉल ऑफ हार्ट को प्रेजेंट करी, अभी सब कुछ किधर जा रहे हैं, लैटरल की तरफ। तो लैटरल इन्फ्रैक्शन में यही कुछ होता है, V1 AVL और V4 V5 V6 या V5 V6, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जब आ जाती है बात एंट्रोसेप्टल या इंटीरियर की, तो अगर उन्हें आपको एंट्रोसेप्टल कहना होता है ना तो वो कहते हैं V1 से लेकर V4 तक सारी आ गई है, क्योंकि इसमें V1 V2 सेप्टम, V3 V4 इंटीरियर, अगर V1 से V4 सारी होंगी तो आप एंट्रोसेप्टल लिखेंगे। और उसके बाद हमारे पास अगर वो कहेंगे सिर्फ इंटीरियर तो वो आपको कहेंगे कि V3 V4 में ECG में चेंजेस थी, तो ये होती है सिर्फ इंटीरियर में। अभी बात भूलनी नहीं है, सारी बातें मैंने आपको बताई हुई थी, ठीक है, मैंने फिर से रिवाइज करा दी है। तो फिलहाल आपके पास जो पेशेंट आया है आपने कुछ भी सोचने से पहले फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन उसकी ECG करानी होती है, और ECG में आपको वॉल्स में चेंजेस नजर आती है, वो ECG आपके पास बनी हुई भी है, बुक्स में आप जरूर देख लें, लेकिन ये वाली चीजें आपकी डायग्नोस्टिक है। आपके पास ये सारा सिनेरियो आता होता है, एंट्रोसेप्टल का भी आया हुआ है, पीछे वाले फीचर्स यही है, आगे वो लीड्स बता देते हैं, इन्फीरियर का इन लीड्स के साथ आया हुआ है, लैटरल का इन लीड्स के साथ आया हुआ है, ये याद रख ले, मैं नहीं तो समझ में आपको समझा भी थी, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगली जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो है कार्डिक बायोमार्कर्स, क्योंकि अब आपने ये चेक करना होता है कि क्या इन्फार्क्शन हो चुका है या अभी पेशेंट कोई इन्फार्क्शन वाली स्टेट में नहीं गया,
ठीक है। वैसे तो अगर आपको इन लीड्स में ST सेगमेंट एलिवेशन मिल जाती है तो वो आपका शो करती है कि यस दिस इज इन्फ्रैक्शन, लेकिन फिर भी टू रूल आउट के कहीं पेशेंट को प्रिंस मेटल एंजाइना ना हो आप मार्कर्स करा दें। कार्डिक बायो मार्कर्स में मोस्ट सेंसिटिव आपके कार्डिक ट्रोपोनेंस है, ट्रोपोनेंट टी एंड आई, जो कि एलिवेट हो जाते हैं आपके 3 to 6 आवर्स के अंदर अंदर, और ये कार्डिक ट्रोपोनेंट टी और आई जो है ये 3 to 6 आवर्स के अंदर अंदर बिल्कुल अपनी पीक पे भी पहुंच जाते हैं, सॉरी पीक तो 36 आवर्स में लेते हैं लेकिन 3 to 6 आवर्स में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपका आराम से लेवल डिटेक्ट हो जाता है। और ये 2 हफ्तों तक मैंने आपसे कहा था कि 7 से 10 दिन तक और कहीं पर लिखा होता है 14 दिन तक भी एलिवेटेड रहते हैं। तो आप टी और आई कराएंगे आपको आराम से पता चल जाता है कि MI हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि MI होगा तो ये रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपने ब्लड की प्रोफाइल करानी होती है, क्योंकि ज्यादातर ये पेशेंट्स होते हैं जो हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया के होते हैं, लिपिड्स इनमें इंक्रीज होता है, ठीक है। डायबिटीज के पेशेंट्स में भी, हाइपरटेंशन में भी, नॉर्मली लिपिड्स इन सब में इंक्रीज होता है। जो CRP है एंड ESR ये भी ब्लड के इंक्रीज हुए होते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड CRP, क्योंकि ब्लड में एक इन्फेक्शियस स्टेट, एक मेटाबोलाइट, एक ओवर मेटाबॉलिज्म की स्टेट आ जाती है। ब्लड CP कराते हैं आप ल्यूकोसाइटोसिस को देखने के लिए कोई इन्फेक्शन है या नहीं है एंड ऑल दैट। बाकी बातें अगले पार्ट में करते हैं, किसी को कोई मसला हो कि ना आस्क मी। थैंक यू।